हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। असम में भूकंप से मची अफरा तफरी, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई। असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया गया है। 7:51 पर आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 बताई जा रही है और भूकंप का केंद्र बिंदु असम का सोनितपुर बताया जा रहा है। झटका कई मिनट तक महसूस किया गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। भूकंप का प्रभाव असम समेत उत्तर बंगाल में महसूस किया गया है। गुवाहाटी में कई जगह बिजली गुल है। बताया जा रहा है कि भूकंप के लगातार 2 झटके महसूस किए गए हैं। पहला झटका 7:51 पर महसूस किया गया। इसके थोड़ी देर बाद 2 और झटके महसूस किए गए। असम के कई घरों में दरारें आ गई हैं। सुबह 9:23 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की है। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया और असम के लोगों के कुशल मंगल की कामना की। सुबह 9:08 एनडीआरएफ के मुताबिक गुवाहाटी और तेजपुर में इमारतों में दरारें पड़ गई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मौत की जानकारी नहीं आई है। सुबह 8:59 असम और उत्तर बंगाल में भूकंप का झटका महसूस करने वाले स्थानीय लोगों ने कहा कि कम से कम 30 सेकंड तक झटका महसूस किया गया और उस दौरान इमारतें हिलती रही। सुबह 8:55 सोशल मीडिया पर भूकंप के बाद नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे अधिक नुकसान गुवाहाटी शहर में हुआ है। कई जगह पर दीवारें गिर गई, खिड़कियां टूट गई हैं। असम के कई इलाकों में इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। हालांकि राहत की बात है कि अभी तक किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। सुबह 8:46 असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया गया है। मैं सभी के कुशल मंगल होने की कामना करता हूं, साथ ही लोगों को अलर्ट रहने की सलाह देता हूं। बाकी जिलों से अपडेट ले रहा हूं। क्यों आता है भूकंप? जानकारी के लिए आपको बता दें कि धरती के अंदर कई प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही हैं। जब ये प्लेट्स बार बार टकराती है तो इनके कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। जब यह प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।